हेलो दोस्तों, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आ रहे हो सऊदी में ड्राइविंग वीजा पे गाड़ी चलाने के लिए, तो दोस्तों आपको सोच समझ के आना है कि आगे चल के आपको पछतावा ना हो कि मैं सऊदी में ड्राइविंग वीजा पे क्यों आया। दोस्तों ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों सऊदी और सऊदी के जो बच्चे हैं बहुत ही शैतान होते हैं। जो लोग सऊदी में गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों सऊदी और सऊदी के बच्चे जो हैं जब गाड़ी चलाते हैं तो एक पैर जो है गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखेंगे, नहीं तो सीट पे, और एक हाथ में मोबाइल फोन और एक हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल करेंगे। और गाड़ी इनके पास जो है बहुत ही महंगा महंगा होता है। गाड़ी स्पीड से चलाते हैं तो, और एक मोबाइल फोन देखते हैं एक हाथ से। तो मोबाइल फोन देखते देखते है ना, वो लोग का ध्यान हट जाता है गाड़ी से। जब हाईवे बोलो चलते हैं तो 120, 110, 140, अगर कैमरा ना हो तो 200 भी जा सकते हैं वो लोग। कैमरा की वजह से वो लोग 120 पे ही रहते हैं सऊदी लोग। तो पहली बात तो ये, जब स्पीड से सऊदी लोग गाड़ी चलाएंगे और एक हाथ से मोबाइल फोन देखेंगे तो गाड़ी इधर इधर जाएगा, और अगर बाई मिस्टेक आप पीछे हो और पीछे से आप गाड़ी ठोक दिए जाए, गाड़ी का कुछ खराब हो गया, लाइट टूट गया है, तो सऊदी लोग जैसे उतरेंगे तो पहले वो देखते हैं कि आप अजनबी हो कि सऊदी है कोई। तो अगर अजनबी आदमी है तो उसके पास आएंगे, सीधा बोलेंगे इंता मजनून, इंता माफी मालूम से यारा, हिंदी में बोलेंगे कि तुम पागल हो, गाड़ी चलाना मालूम नहीं है, ऐसे बात करेंगे। फिर दोस्तों बोलेंगे कि ये गाड़ी सही कराओ, नहीं तो 2000 रियाल लगेगा, ये गाड़ी सही कराने में 2000 रियाल दे दो। अगर आप यहाँ का पुलिस बुलाते हो, जो अरबी में सुरता बोला जाता है, अगर यहाँ का सऊदी का पुलिस बुलाते हो तो आपका ही नुकसान है। क्यों? आपने पीछे से ठोका है, पूरा गलती आप पे ही डाला जाएगा। सुरता बोलेगा कि आपने गलती किया है। तो अच्छा रहेगा कि आप पैसे दे के लेन देन का निपटा दीजिए, पहली बात ये। दूसरी बात दोस्तों, सबसे बुरा लगता है यहाँ का सिग्नल पे, अरबी में बोलते हैं इशारा। जब आप इशारा पे खड़े रहोगे ना और आपके गाड़ी के सामने सऊदी का गाड़ी खड़ा है, तो सऊदी लोग में एक खासियत है, जैसे उनको टाइम मिलेगा ना तो फटाफट जो है मोबाइल फोन निकालेंगे और फटाफट मोबाइल फोन देखने लगेंगे, और वो भूल जाएंगे कि हम जो है इशारे पे खड़े हैं। फिर दोस्तों इशारा चालू होगा तो आप पीछे से हॉर्न मारोगे कि आगे जाने के लिए, तो लोग गुस्सा करते हैं कि क्यों इशारा, तुमने इशारा पे मेरे को हॉर्न बजाया। फिर वो ऐसा करेंगे ना कि आप जो है ना सिग्नल के अंदर फंस जाओ और सिग्नल जो है रेड हो जाए, ये सारा जो है रेड हो जाए, रेड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ सऊदी में हर जगह पे इशारा पे कैमरा मिलता है, सीट बेल्ट का, मोबाइल फोन का, और अगर आप इशारा तोड़ते हो तो 3000 रियाल का जो है आपको गरामा मिलेगा। वो भी 3000 आपको ही देना पड़ेगा, आपके गाड़ी पे जो है गरामा आएगा। तो आपका ये गलती है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि सब सऊदी जो है ऐसा नहीं होते हैं। कुछ सऊदी जो है ऐसा करते हैं जो सऊदी को बदनाम करते हैं। बहुत सारे ऐसे सऊदी हैं कि अगर आपका रास्ते में गाड़ी खराब हो जाएगा तो आपका गाड़ी का टोचन करके आपके जगह में छोड़ देंगे। बहुत सारा हेल्प करते हैं, अगर आप प्रॉब्लम में हो तो उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करते हैं। तो कुछ सऊदी अच्छे भी हैं, कुछ सऊदी जो है खराब भी है। और यहाँ की सऊदी जो हुकूमत है दोस्तों, ट्रैफिक पे इतना पैसा खर्च करती है कि कोई ट्रैफिक उल्लंघन ना करे, कैमरा हर चीज लगा रखा है, फिर भी जो है ना सऊदी मानते नहीं। तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, अपने तरफ से तो अच्छा ही करती है कि लोग को जो है गाड़ी चलाए तो उनका सेफ्टी जो है रहे। और यहाँ का ये कानून मेरे को सबसे बुरा लगता है दोस्तों। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप जो है तड़प तड़प के मर जाओगे, बाकी कोई जो है ना नहीं उठाएगा जब तक यहाँ का पुलिस और एम्बुलेंस नहीं आता है, जब तक पेपर रेडी नहीं करेंगे, सब कुछ रेडी करने के बाद जो है आपको हॉस्पिटल में डाला जाएगा। अगर आप ऐसे एम्बुलेंस पुलिस नहीं आया और ऐसे आप गाड़ी में लेके गए तो आपको भी मुश्किल होगा। और पहली बात तो हॉस्पिटल में जो है भर्ती नहीं करेंगे, बोलेंगे कि ये पुलिस आएगी फिर जो है जांच करने के बाद भर्ती किया जाएगा। तो ये मेरे को सबसे जो है कानून बुरा लगता है। और दोस्तों सबसे अच्छा एक कानून है सऊदी में जो कि बहुत ही मैं अच्छा मानता हूँ, समझ लीजिए एक तालाब के साथ बकरी और शेर पानी पी सकता है, यहाँ का ऐसा कानून है। तो कानून यहाँ का अच्छा है, इसके वजह से जो है और अजनबी और सऊदी लोग डरते हैं, किसी को जो है चोट नहीं पहुंचाते हैं। अगर आप किसी
कितना भी बात कर लो, बकर आपते हाथ जल्द नहीं उठाएंगे सऊदी लोग, तो ये अच्छा है। तो दोस्तों मेरा फर्ज था आप लोग को बताना, अब आप पे डिसाइड करता है कि आपको सऊदी में ड्राइविंग वीजा पे आना है कि नहीं आना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप सऊदी में हैं तो कमेंट करके बताइएगा ये बात सही है कि झूठ है, आपको पता चल जाएगा, कमेंट आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहीं पर करते हैं वीडियो समाप्त, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।